पर अत्याचार बंद करो। गुजरात में जो हो रहा है या जो हुआ उससे उत्तर भारत में हड़कंप है। गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। हम उत्तर भारतीय के लोग, गुजराती व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गले लगाकर संसद बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए। हमने तो कभी ये उनके साथ भेदभाव की बात नहीं की। पलायन को यदि नहीं रुके तो हम बनारस के लोग, उत्तर भारत के लोग गुजराती और महाराष्ट्रियों को बनारस से पलायन करने पर मजबूर कर देंगे। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के 20,000 लोग गुजरात छोड़कर वापस अपने गांव लौट चुके हैं। दो वक्त की रोटी के लिए गुजरात के लोगों ने घर लौटकर खौफ और दहशत की जो कहानी सुनाई उससे दिल दहल रहा है। मार मार के यूपी बिहार वालों को भगा रहे हैं। हमें भी एक तो दो झापड़ लगा है, हम भी भाग गए वहाँ से। कॉलोनी में, फ्लैटों में और कंपनियों में ढूंढ ढूंढ मारने लगे, फिर हमने किसी तरह से अपना जान बचाया। बिहार और यूपी के लोग गुजरात जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों में मजदूरी करते हैं, 10 से 15 हजार रुपए में अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन किसी एक गलती से पूरे समाज को धमकी दी गई। कल रात का 9 बजे तक पूरे उर्वरक गांव का, जो कुछ यूपी का हो, बिहार का हो, पूरे गांव खाली करके चले जाओ, प्रेम से कहने आए हैं। क्योंकि मेरी बेटी है 14 साल की हो तो चलेगी। कल सुबह जैसी आपकी ट्रेन आए अब चले जाओ, उर्वरक गांव छोड़ के। कोई यूपी के, बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चले। एक ने गुनाह किया और सबको खदेड़ दिया गया। धमकी, चेतावनी, मारपीट और हमलों से परेशान होकर यूपी और बिहार के लोगों ने ट्रेन पकड़ना शुरू किया और चल पड़े वापस अपने गांव, अपने दिल में गुजरात की बुरी यादों को लेकर। लेकिन सूरत से जब चले हम लोग तो वहां पे क्या हुआ कि एक आदमी थे तो जिनका पर्स और मोबाइल, दो चार लोग थे, उन लोग ले लिए। वही मतलब बाहर से पत्थर उत्थर फेंक रहे थे तो हम लोग थोड़ी देखने गए कौन आदमी है। हम लोग अपना गेट खिड़की से बंद करने लगे थे। हम लोग भी डर गए, सब भय हो गया कि हम लोग पर भी धांधली हो जाएगा। गुजरात सरकार दावे करती रही, आला अधिकारी बैठके करते रहे, लेकिन उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जाता रहा। उत्तर भारतीय मजदूरों की कॉलोनियों में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाए गए, लेकिन बिहार और यूपी के लोगों को डर और दहशत अपने काबू में करती रही। तो चाहते हैं साहब कि हमारी सुरक्षा रखे, हम अपना धंधा पानी करूं, बच्चों को अपना खिलाऊं पिलाऊं, जो रूखा सूखा है तो खाए पी के सो जाऊं। परिवार वाले तो बहुत सहमे, वो तो बोलते गांव चलो, लेकिन हम लोग आशा बंधाते हैं चलो सुलझ जाएगा, एक दो दिन में शांति हो जाएगी तो रुकेंगे, जब नहीं होगा तो फिर अपन तुमको सेफ कराएंगे। डर तो सर बहुत लग रहा है, इतना लग रहा है कि रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, बच्चे हमारे रोते हैं रात रात भर, मम्मी क्या होगा, कैसे रहेंगे, ये आके हमको मारते हैं, टीवी में देखते हैं तो डरते हैं बच्चे कि मम्मी कहाँ जाएंगे हम। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर जो भी जुल्म ढाए गए उसके पीछे कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर का हाथ बताया गया। कहा गया कि अल्पेश गुजरातियों को लगातार बिहार यूपी वालों के खिलाफ भड़का रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये सुन, कोई नौकरी नहीं थी सर, गाड़ी बंद हुई, काम कर गया तो इधर पड़े हूं, जब आयो क्या तुम्हें तो सुस्त था, तुम्हें काम नहीं कर सको, हमें बाकी ले जाइए। गुनाखोरी वधी छे, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। लेकिन जब विवाद बढ़ा और अल्पेश घिर गए तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए, खुद को बेगुनाह बताने लगे। केवल और केवल वो राहुल गांधी जी का ही एजेंट है, इस कारण गुजरात में अल्पेश ठाकुर महत्वपूर्ण ओहदे में है, और राहुल गांधी जी के कहने पर ही अल्पेश ठाकुर को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। ये सारा कुछ कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है कांग्रेस और राहुल गांधी। मैं कभी किसी को मारने की बात कर सकता हूँ? मैं कभी ऐसी राजनीति मेरा काम ही नहीं है। जो शांति का दूत था अब उसको ही आप राक्षस बता रहे हो, अब उसको ये बता रहे हो कि यही दंगा भड़का रहा है, ये कैसी गंदी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। पर ऐसे गरीबों पे राजनीति करना, गरीबों के मार के गरीबों को भगा के राजनीति करना, ये थोड़े ही ना राजनीति का मेरा एजेंडा है, ऐसा नहीं है। वो कुर्सी गरीबों को मारने का काम कर रही है, ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। हालांकि अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। वडोदरा समेत 7 जिलों में उत्तर भारतीयों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि गुजरात के पलायन पर शुरू हुई सियासत फिलहाल थमी। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।